चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग। सब लोग जल्दी जुड़ जाइए। आज वीडियो क्वालिटी सब कुछ ठीक ठाक होगा एकदम बढ़िया से। चलिए आज हम मिला देते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 कृषि। जो चैप्टर नंबर 2 है कृषि उसका मिला देते हैं ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का, भूगोल का, क्लास 10th के ज्योग्राफी का। चलिए करण, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? बताइए इसमें रोपण फसल कौन है। तो रोपण फसल कौन है? तो रबड़ है, चाय है, गन्ना है, इनमें सभी है। क्या है? इनमें सभी रोपण फसल हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, अगर कोई क्वेश्चन गलती होगा तो आप लोग बताइएगा, ठीक। अगर कोई क्वेश्चन गलती हो जाएगा तो आप लोग बताइएगा। करण निम्नलिखित में कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? बताइए इसमें से कौन जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो राजमा। कौन नहीं करता है? राजमा। चलिए अगला क्वेश्चन, कर भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो भारतीय खाद्य निगम। चलिए अगला क्वेश्चन, धान एक प्रकार है, बताइए धान जो है एक कैसा प्रकार है? आस है, अमन है, बोरो है, इनमें सभी है। क्या है? इनमें सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, करण निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? बताइए कौन जो है खरीफ फसल है? तो चावल। कौन है? चावल जो है खरीफ फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन, करण निम्नलिखित में कौन अरबी फसल है? बताइए अरबी फसल इसमें से कौन है? तो गेहूँ। अरबी फसल कौन है? गेहूँ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, कर भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? धान, चावल इसको बोलते हैं, धान बोलते हैं चावल। चलिए अगला क्वेश्चन, करण निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? बताइए इसमें रोपण फसल कौन नहीं है? तो धान। कौन नहीं है? धान रोपण फसल नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, कर सोपानी कृषि प्रचलित है? बताइए सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। कौन में? उत्तराखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन, करण निम्नलिखित में कौन उपभोक्ता उद्योग है? बताइए इसमें से उपभोक्ता उद्योग कौन है? तो चीनी उद्योग। कौन है? चीनी उद्योग। चलिए अगला क्वेश्चन, कर ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो डेयरी विकास। क्या है? डेयरी विकास। अगला क्वेश्चन बताइए, कर बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? बोकारो इस्पात संयंत्र जो है कौन से देश के सहयोग से खोला गया है? तो रूस के ना, किसको खोला गया? रूस के सहयोग से। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? बताइए इसमें से रबी फसल कौन है? तो गेहूँ। क्या है? गेहूँ। चलिए अगला क्वेश्चन, करण निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? बताइए व्यावसायिक फसल कौन नहीं है? तो गेहूँ। गेहूँ व्यावसायिक फसल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, करण रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? रबी की जो फसल होती है वो कौन से महीने में बोई जाती है? तो अक्टूबर नवंबर। कौन महीना में? अक्टूबर और नवंबर में। बताइए दाल किस पौष्टिक आहार का स्रोत है? दाल जो है वह किस पौष्टिक आहार का स्रोत है? तो प्रोटीन। क्या मिलता है उस दाल से? प्रोटीन। अगला क्वेश्चन बताइए, करण निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? बताइए सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है वन का? तो मध्य प्रदेश। किसमें है? मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन, पंजाब में कृषि भूमि कितना प्रतिशत है? पंजाब में कृषि भूमि कितना प्रतिशत है? 14%। कितना है? 14%। दक्षिण भारत की सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? बताइए इसमें से। तो महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन, कर गन्ना अनुसंधान वाला किस शहर में है? गन्ना अनुसंधान वाला किस शहर में है? अनुसंधान शाला है। किस शहर में है? तो
कोयम्बटूर कोजिए कोयम्बटूर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है, बताइए इसमें से खरीफ फसल नहीं है। तो गेहूँ कौन नहीं है खरीफ फसल, गेहूँ। चलिए अगला क्वेश्चन करा, चाय किस प्रकार का फसल है, चाय जो है वह कौन से प्रकार का फसल है, तो रोपण फसल, क्या है रोपण फसल। चलिए अगला क्वेश्चन करा, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं, तो कहवा जिसको बोलते हैं कॉफ़ी, कहवा या बोलेंगे कॉफ़ी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर करा, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र जो कौन से फसल के खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो धान, किसके लिए है धान है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन है, बताइए शीतकालीन फसल कौन, इसमें सबसे ज्यादा शीतकालीन फसल, तो गेहूँ कौन है, गेहूँ। चलिए अगला क्वेश्चन कर, भारत का जूट किस क्षेत्र को कहा जाता है, भारत का जूट जो है वो कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, भारत का जूट, तो पश्चिम बंगाल, किसको कहते हैं पश्चिम बंगाल को, भारत का जूट क्या बोलते हैं पश्चिम बंगाल को। चलिए क्या बोलते हैं भारत का जूट पश्चिम बंगाल को। अच्छा एक और क्वेश्चन था कुछ ही, महाराष्ट्र किस फसल के लिए है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, करा उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में और बिहार में रागी को हम लोग किस नाम जानते हैं, तो मडुआ, कैसे जानते हैं मडुआ। बताइए कपास की खेती के लिए कितना दिन कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए, हाँ पाला होना चाहिए, पाला रहित होना चाहिए। अच्छा गलती हो गया, महाराष्ट्र में जो कपास होता है तो 210 दिन, गलती हो गया जी, यहाँ पर सुधार लीजिएगा, था कपास के लिए होता है, महाराष्ट्र जो है किस के लिए खेती के लिए है, तो कपास के लिए, महाराष्ट्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, कपास के लिए, मैंने सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है महाराष्ट्र में, सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है महाराष्ट्र में। ठीक, चलिए क्या हो जाएगा, कपास के लिए महाराष्ट्र किस खेती के लिए कपास प्रसिद्ध है, कपास के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए उत्तर प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन फसल होता है उत्तर प्रदेश में। चलिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन फसल होता है, तो मड़ुआ, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में जी, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन फसल होता है तंबाकू, आंध्र प्रदेश में क्या बोलेंगे तंबाकू। चलिए आगे बढ़ जाए, आंध्र प्रदेश में क्या क्या बोलेंगे तंबाकू। चलिए बताइए में किस में कौन रबी फसल नहीं है, बताइए इसमें से कौन जो है रबी फसल नहीं है, रबी फसल कौन नहीं है बताइए इसमें, अगर कोई क्वेश्चन गलती हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ठीक, ताकि हम भी बढ़िया देख लेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए,
करा, उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा इकोची आ गया जी, करा उत्तर पहले कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य कुछ कुछ आ गया, करा कौन सा राज्य सुने इसमें तो बताइए कौन सा राज्य गन्ना उत्पादक के लिए सबसे ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश। चलो गया आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, करा धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? धान की खेती के लिए सबसे ज्यादा कहाँ, तो पश्चिम बंगाल, क्या है पश्चिम बंगाल में ना सबसे ज्यादा, एक सेकंड रुक जाइए, सबसे ज्यादा कहाँ है पश्चिम बंगाल में। चलिए कह रहा कि धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक राज्य कौन है, तो पश्चिम बंगाल तो हो गया। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में, तो हो गया, रिपीट हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, करासम में चाय के कितने बागान हैं? तो 750, इससे भी ज़्यादा हो गया यार। कपास उत्पादन के एक वर्ष गाठ में कितना किलोग्राम होना चाहिए? तो 170, इसमें ऑप्शन के अनुसार है और कभी कभी ज़्यादा देखता है। बताइए दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, दक्षिण भारत का, तो लगता बताइए देते ना दक्षिण भारत का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला। तो महाराष्ट्र, क्या है महाराष्ट्र, इतना लगता हो ही गया था, आप लोग देख के मिलाइएगा ठीक। करण विकेश में कौन दलहन फसल नहीं है, बताइए दलहन फसल इसमें से कौन नहीं है, दलहन फसल क्वेश्चन आप लोग पढ़ के मिलाइएगा ठीक, क्वेश्चन आप लोग पढ़ के मिलाइएगा, दलहन फसल कौन नहीं है इसमें, का दो क्वेश्चन हटा है, तब बाजरा कौन नहीं है, बाजरा ये देखिए 36 नंबर में आप लोग का होगा, या ना तो वो भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन कारण, निम्नलिखित में से कौन धान की एक फसल नहीं होती, निम्नलिखित में कौन जो धान की फसल नहीं है, तो सुमन कच नहीं है, सुमन, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के आंसर मिलेगा ठीक। कर पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना चाहिए अंकुरण के लिए, मतलब उगते समय, तो 18 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन कर, तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तेलहन उत्पादन करने भारत में विश्व का कैवा स्थान है, पहला, क्या चीज़ है पहला। चलिए अगला क्वेश्चन, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो गुजरात, किस में होता है गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन करने में, किस्म कौन सिल्क की एक किस्म नहीं है, बताइए सिल्क की एक किस्म नहीं है, बताइए किस्म नहीं है, केसर, क्या है केसर ये। अगला बताइए रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, रबड़ की खेती केरल में, किसी होती है केरल में। चलिए अगला क्वेश्चन करा, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरी कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो झूम कृषि, क्या बोलते हैं झूम कृषि। चलिए अगला क्वेश्चन करा, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा क्षेत्र जो है तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है, तो समस्तीपुर। अगला क्वेश्चन, गन्ना के केंद्रीय अनुसंधान वाला अनुसंधान शाला केंद्र स्थापित गन्ना के लिए। चलिए तो लखनऊ है ना, कहाँ है लखनऊ, कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन करा, चावल का उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में, कहाँ होता है पश्चिम बंगाल में। अगला होते हैं ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती है, ग्रीष्मकालीन तो धान। पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है, तो गेहूं, क्या है गेहूं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है, शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है, 4 करोड़।
अगला बताइए, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? ज्वार की सबसे ज़्यादा खेती किस राज्य में की जाती है? तो महाराष्ट्र। किसमें करते हैं? महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? हरित क्रांति का तो गेहूँ। किस पर पड़ा है? गेहूँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन, अनानास उत्पादन में अग्रणी है, अति अनानास उत्पादन करने में अग्रणी कौन है? त्रिपुरा। इनमें से कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होता है? चलिए असम में। क्या होता है? असम में, असम के ब्रह्मपुत्रा घाटी में। अगला क्वेश्चन बताइए, अगर भारत की कितनी आबादी कृषि कार्य में जुड़ी हुई है? कृषि कार्य से जुड़ी हुई है तो 2/3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक तो जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या। अगला क्वेश्चन बताइए, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु की फसल को हम लोग क्या बोलते हैं? खरीफ फसल। क्या बोलते हैं? खरीफ फसल। चलिए अगला क्वेश्चन, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो गुजरात। क्या है? गुजरात। अगला क्वेश्चन, बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो गुजरात। क्या है? गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन, कराई में से कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है? बताइए इसमें से निर्वाहन कृषि का उपज कौन नहीं है? तो गन्ना। कौन नहीं है? गन्ना। चलिए अगला क्वेश्चन कर, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसको कहते हैं? कर्नाटक। किसको बोलते हैं? कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? अतः कृषि को प्रभावित करने वाला कारक कौन नहीं है? तो जनसंख्या। कौन है? जनसंख्या। अगला बताइए, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? सबसे आगे है जूट के उत्पादन में तो पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन कर, गेहूँ के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? गेहूँ के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में ना। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? कुरुबा। क्या बोलते हैं? कुरुबा। चलिए एक क्वेश्चन खोजें तो नहीं मिला था, चीनी किस्म की चाय को क्या कहते हैं? आप लोग खोजिएगा तो चीनी किस्म को चाय को क्या कहते हैं? ऐसे इसको बोलते हैं मंकी टी। चीनी किस्म की चाय क्या बोलते हैं? मंकी टी। तो मंकी टी तो हरियर है, मंकी टी, मंकी टी बोलते हैं इसको। अगला, ये देश में कपास का सर्वाधिक उत्पादन घाट कितनी है? तेहू नहीं मिला है, कोई तरह का नहीं मिला है, आप लोग खोजने का प्रयास कीजिएगा। बताइए, कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होनी थी? कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? तो 3 से 6 मीटर। पकते समय गेहूं के फसल का तापमान कितना होना चाहिए? 15 से 25 सेंटीग्रेड। कपास उत्पादन के लिए मिट्टी कौन सी होनी चाहिए? काली मिट्टी। कपास के लिए कौन मिट्टी होनी चाहिए? काली मिट्टी। धान का वार्षिक उत्पादन कितना है? 30 करोड़ टन। बताइए, गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। इवी नहीं मिला, भारत का क्यूबा क्षेत्र किसे कहा जाता है? आप लोग बताइए, इसको खोजिएगा था, भारत का क्यूबा क्षेत्र किसको कहते हैं? चलिए इसका मिल गया जी, गोरखपुर देवरिया। किसको बोलते हैं? गोरखपुर देवरिया। अच्छा देख लीजिएगा तो आप लोग एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा था।
सही है ना, देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कर भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भारत का मुख्य आधार क्या था? कृषि। क्या चीज़ है? कृषि। चलिए अच्छे से आप लोग बढ़िया से मिला लीजिएगा। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।